Hi guys, what's up and welcome back to the channel. आज की जो वीडियो है ये है हाउ टू डू थ्रेडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. अगर आप बिगिनर्स हो और फर्स्ट टाइम आईब्रो बनवा रहे हो तो आप कैसे बनवाओगे, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो कैसे बनाओगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सबसे पहले आपको अच्छे से पाउडर एप्लीकेशन कर देनी है. और अगर आप क्लाइंट की राइट हैंड की थ्रेडिंग कर रहे हो तो आपको क्लाइंट को बोलना है अपने राइट हैंड से वो नीचे की ओर पकड़े और अपने लेफ्ट हैंड से इस तरह से ऊपर की ओर पकड़े. और आपको धीरे धीरे बहुत आराम से एक एक बाल आपको इस तरह से निकालनी है. आगे की ओर से हम स्टार्ट करेंगे. वन बाय वन आपको इस तरह से धागे को धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाना है. इस तरह से आपको करना है. और आपने जो कैंची बनाया उस कैंची में आपको एक एक बाल को फंसाते जाना है और उसे फिर इस तरह से थ्रेडिंग से खींच लेना है. धीरे धीरे हम बनाएंगे. भले ही आप बहुत ही अच्छे थ्रेडिंग करते हो लेकिन जब बिगिनर्स कोई करवा रहा है, कोई पहली बार थ्रेडिंग करवा रहा है तो बहुत आराम से हमें करना होता है. नहीं क्योंकि उन्हें बहुत दर्द होती है, वो फर्स्ट टाइम थ्रेडिंग करवा रहे हैं. इसी तरह से हम नीचे की जो भी है रेस्ट सारे हेयर को इस तरह से निकाल देंगे. और जब हम आर्च पे यानी कि कॉर्नर पे इस तरह से चलाते हैं तो हम अपने धागे के थोड़ा सा इस तरह से बेंड करेंगे. और आप देख सकते हो किस तरह से मैं थोड़ा सा धागा को बेंड कर रही हूँ ताकि उनके कॉर्नर में बहुत अच्छी सी कर्व शेप आ जाए. और आप देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ. इसी तरह से आपको भी धागा को इस तरह से घुमाना है. अगर आप इस तरह से घुमाते हो धागा को तो आपकी कर्व जो है आईब्रो की बहुत ही अच्छी आती है और बहुत सुंदर आईब्रो की आर्च बन के आती है. आप देख सकते हो कि कितनी आराम से निकल रही है. मैं एक एक बाल निकाल रही हूँ. भले ही फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ लेकिन इन्हें दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा है क्योंकि मैं बहुत आराम से एक एक बाल को निकाल रही हूँ. और इतना करने के बाद मैं ऊपर की थ्रेडिंग करूँगी. यहाँ से मैं इस तरह से थ्रेडिंग करूँगी जहाँ तक मेरी आर्च है, कॉर्नर है यानी कि वहाँ तक. इस तरह से आपको सारे बाल जितना आपको पतला या फिर मोटा जिसे रखना है उतना आप चौड़ाई दे के उसे इस तरह से थ्रेडिंग कर देंगे. और साइड में भी जो कॉर्नर है इस तरह से मैं साइड में भी थ्रेडिंग कर दूँगी. इतना करने के बाद एक बार हम बीच में चेक करेंगे. आपको बीच में ज़रूर चेक करना चाहिए एक बार कि कहाँ से अब हमें निकालनी है हेयर को. तो इस तरह से मैं चेक कर लूँगी. अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये कॉर्नर से बाल निकलेंगे तो मैं इस तरह से फिर से कॉर्नर पे जो भी एक्स्ट्रा है मैं उसे भी रिमूव कर दूँगी इस तरह से कर्व बनाते हुए. आप एक साथ एक ही बार थ्रेडिंग ना करें, आप बीच में एक दो बार चेक कर ले अगर आप बिगिनर्स का बना रहे हो. अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आप बना रहे हो किन्हीं का तो आप बीच में एक दो बार चेक कर लो और उसके बाद फिर से आप स्टार्ट करो बनाना. अगर आप सीधा एक ही साथ बनाओगे तो मे भी हो सकता है आईब्रो मोटा या पतला हो सकता है. इसी तरह से हम दोनों आईब्रोज़ के बीच के हेयर को भी रिमूव कर देंगे. कैंची में आपको बाल को फंसाना है और इस तरह से खींच लेना है. ज़्यादा हम यहाँ पे गैप नहीं दे सकते. अगर ज़्यादा गैप देते हैं तो फिर अननेचुरल लगता है. इसलिए हम आराम से थोड़ा थोड़ा एक एक हेयर को निकालेंगे और देख लेंगे कि ज़्यादा गैप तो नहीं हुई है. और आप क्लाइंट से भी एक बार पूछ लें, अगर आप इन्हें ज़्यादा गैप देनी है तो आप दे सकते हैं. और इसी तरह फोरहेड को क्लियर करते हुए हम लेफ्ट साइड की थ्रेडिंग करेंगे. और जब हम लेफ़्ट साइड की थ्रेडिंग करेंगे तो क्लाइंट की लेफ़्ट हैंड नीचे होगी और राइट हैंड जो है वो ऊपर होगी, कुछ इस तरह से. क्योंकि ये फर्स्ट टाइम करवा रही थी थ्रेडिंग तो इन्हें पता नहीं था. और हमें क्लाइंट के पीछे खड़ा होना है. जब आप राइट हैंड की बना रहे हो आईब्रोज तो आपको क्लाइंट के आगे खड़ा होना है और जब आप लेफ़्ट की बना रहे हो तो आप क्लाइंट के पीछे खड़ा होगे इस तरह से. और फिर आप थ्रेडिंग करोगे सेम प्रोसेस से. स्टार्टिंग करेंगे हम आगे की ओर से और धीरे धीरे हम पीछे जाएंगे.
इसी तरह से हम दोनों आईब्रोज के सेंटर को क्लियर करेंगे और फिर जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम एक सीजर से कट कर देंगे। और फिर जो भी हेयर है इनके फेस पे उसे हम डस्टअप कर देंगे और डस्टअप करने के बाद है ये हमारी कंप्लीट ट्यूटोरियल। ये ट्यूटोरियल मैंने उन बिगिनर्स के लिए बनाया है जो फर्स्ट टाइम थ्रेडिंग करवा रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी फ्रेंड्स।